डिटरमाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो है अब देखेंगे कि बड़ा एक दिस इज पेडेंकल, इसके एंड पे टर्मिनल फ्लावर आ जाता है, तो ग्रोथ इज सीजर। कहीं पे अगर ब्रांच भी निकलता है उस पर एंड पे भी फ्लावर आ जाता है, उनका भी ग्रोथ सीज हो जाता है उसके, तो इसके साथ ही इसका ग्रोथ दैट इज डिटरमाइनेट, दैट इज नॉट, इट्स नॉट कंटिन्यूस। बेस्ड ऑन ब्रांचिंग वी हैव फाइव टाइप्स, आर वी कैन से थ्री टाइप्स और देन टू मोर टाइप्स। अगर ये ग्रोथ, जैसे ये प्लांट है, ये पेडेंकल है, इसके एंड पे फ्लावर आ गया और नीचे से एक ब्रांच निकला इसका, ठीक है, एक ही ब्रांच निकला, इस पर भी फ्लावर आ गया, ये भी स्टॉप हो गया इसका ग्रोथ भी। दीज आर फ्लावर्स ऑन दिस ब्रांच, दीज आर फ्लावर्स ऑन दिस ब्रांच। एक ब्रांच आ गया, दैट इज फर्स्ट टाइप, दैट्स कॉल्ड यूनिपेरस आर मोनोचेजियल, मोनोचेजियल टाइप ऑफ साइमोस, ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स है बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द सेकेंड ब्रांच। वन इज हेलिकॉइड, सेकेंड इज सुकोरपोइड। हेलिकॉइड में क्या है कि जो पेडेंकल निकला है, इसके एंड हुआ है, जो लेटरल ब्रांच निकला है उसमें एक ही साइड से फ्लावर आ जाता है, देन टर्मिनल फ्लावर, ठीक है, दिस इज हेलिकॉइड। कभी क्या होता है कि पेडेंकल जो निकला है उसका जो सेकेंडरी ब्रांच निकला है, लेटरल ब्रांच, दिस वन फ्लावर यहाँ पे आ जाते हैं, फॉलोड बाई ऑन दिस एक्सिस, ऑन दिस प्लेन, फॉलोड बाई ऑन दिस प्लेन, फॉलोड बाई ऑन दिस प्लेन, देन टर्मिनल फ्लावर। तो दिस इज हेलिकॉइड टाइप, दिस इज सुकोरपोइड टाइप। आपको समझ आया होगा, यूनिपेरस जो मानस चेजल है, इसके दो टाइप्स होते हैं, हेलिकॉइड एंड सुकोरपोइड। फर्स्ट टाइप का जो आपको मैं बताऊं, दैट इज सन ड्यू, एग्जाम्पल इज सन ड्यू, दैट इज सन ड्यू, हियर इट इज सोलनम नाइग्राम, सोलनम नाइग्राम। सो दिस वॉज फर्स्ट पार्ट ऑफ साइमोस। इसका जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज बाईपेरस, यानी दो ब्रांच निकलते हैं, और डाइचेजियल, यानी जो पेडेंकल है, टर्मिनल फ्लावर से इसका ग्रोथ बंद हो जाता है, इसके दो ब्रांचेस निकलते हैं, देयर आर टू ब्रांचेस। तो दिस इज बाई, इसी तरह हमारा पॉली यानी मल्टीपेरस होता है, ठीक है, मल्टीपेरस और पॉलीचेजियल। इसमें क्या है कि एक पेडेंगल का ग्रोथ फ्लावर आ जाता है यहाँ पे, द ग्रोथ इज स्टॉप्ड, देन देर आर मेनी ब्रांचेस, नॉट वन बट मैनी, अगेन फ्लावर उस पे आ जाता है, उन वाले ब्रांचेस पे, और उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ दिस। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, देन वी हैव मिनी प्लांट्स, इनके साथ बाईपेरस, वी हैव जस्मिनम, वी हैव जस्मिनम, वी हैव हेमिलिया, हेमिलिया प्लांट। अब इसका फोर्थ फिफ्थ टाइप, सो देर आर टोटल फाइव टाइप्स ऑफ साइमोस, दैट इज कॉल्ड साइमोस हेड, दैट इज कॉल्ड साइमोस हेड। यहाँ पे क्या है, दैट इज साइमोस हेड, साइमोस हेड में क्या है, यहाँ पे भी आगे रिसेप्टेकल इस तरह का आ जाता है, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, बट इट इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल यानी ओल्ड फ्लावर्स टूवर्ड्स सेंटर, न्यू वन टूवर्ड्स पेरीफेरी, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। यहाँ पे एग्जांपल आपका फिर कदम प्लांट, ठीक है, माइमोसा आपका, और बाकी प्लांट्स में आ जाते हैं।
इसमें एक और प्लांट रखने की कोशिश की गई थी इस कदम या माइमोसा या आकाशे के साथ, दैट वाज अल्बिजिया प्लांट. अल्बिजिया प्लांट, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि द ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स इज नॉट सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल, इट इज सेंट्रीपेटल. इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्बिजिया इस साइमोसेड में नहीं आता है, दैट कम्स इन अ डिफरेंट कैटेगरी. वी कैन सी दैट इज सुपाइकेट हेड या कैप्टेट हेड. तो सुपाइकेट हेड कैप्टेट हेड में क्या होता है, वहाँ पे सेंट्रीपेटल अरेंजमेंट होता है, दैट्स वाई अल्बिजिया उसी में आ जाता है, नॉट इन साइमोसेड. क्योंकि साइमोसेड में आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल इंपॉर्टेंट है. द लास्ट वी हैव, जैसे मैंने आपको ओनियन में बताया था कि ओनियन में स्केप होता है, वी हैव स्केप, एक ब्रांच निकलता है, देट इज लीफलेस ब्रांच पेडेंकल, देट इज स्केप. तो दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड स्केपिगेरस. स्केपिगेरस, स्केपिगेरस में क्या होता है, स्केपिगेरस साइम हम्बल, अगेन आपको पता है दैट इज साइम एम्बल, एक बड़ा सा ये निकल जाता है, वी हैव फ्लावर्स ऑन दैट स्केप. उस स्केप को लॉन्ग ब्रैकेट्स कवर करते हैं, स्पैथी, स्पैथी. तो इसमें ओनियन प्लांट आपका आ जाता है. सो विद दिस वी कंप्लीट साइमोस टाइप. नाउ लेट्स मूव, हम दूसरा टाइप जो इसमें हमने बताया था कुछ मिक्सड इनफ्लोरेसेंसेस, वो हम पढ़ेंगे. तो बेसिक हमारा जो साइमोस और रेस्मोस टाइप था वो हमने कंप्लीट किया है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स मिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. सो वी हैव मिक्स टाइप. मिक्स टाइप में आप देखेंगे कुछ भी मिक्सड है, यानी कहीं कभी कहीं के किसी के साथ मिक्सड है. तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दैट इज मिक्सड में ये है कि देर आर फाइव टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस देयर एज यू नो. ठीक है, ये आ गए. नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको थायरसस या थायरसी, थायरसी यहाँ पे मिक्सड क्या है, जैसे थायरसी में साइमोस है, यहाँ पे एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें एज वी सी कि साइमोस क्लस्टर्स अरेंज्ड एक्रोपिटली. तो साइमोस है लेकिन एक्रोपिटल अरेंजमेंट है. तो एक्रोपिटल कहाँ से आ गया, हमारे रिस्मोस से. मिक्सड स्पैडिक्स में आपका स्पैडिक्स मिलेगा, अगेन देर इज अ साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. पैनिकल ऑफ स्पैकलेटस है, पैनिकल आपको कहाँ पाया जाता है, कंपाउंड में, और स्पाइकलेट सिंपल रिस्मोस में, ये दोनों मिक्सड है. कॉरियम ऑफ कैपिटूला, तो कॉरियम कैपिटूला का कॉरियम बना हुआ है, यानी कॉरियम है लेकिन जो फ्लावर है दे आर इन द फॉर्म ऑफ कैपिटूलम. इसी तरह अदर टाइप्स लाइक जैसे यहाँ पे है साइम ऑफ कॉरिम्बस, वी हैव साइम ऑफ अम्बलस, वी हैव साइम ऑफ कैपिटूला. तो बहुत सारे टाइप्स हैं, मिक्सड करके हम कह सकते हैं. इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इन चारों में, देर इज ग्रेप विटिस विनिफेरा यानी ग्रेप वाइन, यहाँ पे बनाना, देन वी हैव राइस वगैरह विद दिस हैज एजीरेटम, एजीरेटम. सो ये है मिक्सड टाइप. आपको थोड़ा सा आइडिया देना होगा बस, ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है. फाइनली वी हैव लास्ट टाइप दैट इज स्पेशल इनफ्लोरेसेंस. वी हैव स्पेशल, स्पेशल इसमें फोर, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इट, थ्री फोर. सो इन स्पेशल वी हैव फोर टाइप्स, देयर इज हाइपनथोडियम. हाइपनथोडियम पहला पार्ट है, इसमें क्या है, वी हैव फ्लास्क शेप्ड दिस पेडंकल, देयर इज ओपनिंग, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्टियोल. ठीक है, इसमें इसके ऊपर ये दिस इज क्लोज्ड विद हेल्प ऑफ स्केल्स, और ये जो कैनाल है इसका,
दिस इज रिसेप्टेकल फ्लैशी, इसके इनसाइड में फ्लावर्स आ जाते हैं। ये जो कैनाल है, दिस इज कैनाल, देर आर हेयर्स इनसाइड कैनाल, सो वी हैव हेयर्स इन अंडर साइड इनसाइड कैनाल। इसी ऑस्ट्रियल के साइड में आपको देखेंगे ऑन दिस रिसेप्टेकल देर आर मेल फ्लावर्स, सो वी हैव मेल फ्लावर्स टूवर्ड्स ऑस्ट्रियल टूवर्ड्स कैनाल, दीज आर मेल फ्लावर्स, मेल फ्लावर्स जो काफ़ी अच्छे फर्टाइल होते हैं। ऑन दिस बेस ऑफ दिस रिसेप्टेकल और दिस फ्लास्क शेपर्ड रिसेप्टेकल और पेडेंकल वी हैव फीमेल फ्लावर्स, वी हैव फीमेल फ्लावर्स, दे टू आर फर्टाइल। नाउ इन बिटवीन दिस मेल एंड फीमेल फ्लावर्स वी हैव फीमेल फ्लावर्स बट दे आर स्टेराइल, स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स, स्टेराइल फीमेल फ्लावर। दिस इज कॉल्ड हाइपेंथोडियम, स्पेशल टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन पीपल बनियान फिग ट्री, सो वी हैव पीपल बनियान बनियान फिग ट्री, तो इनमें उनमें पाया जाता है। नाउ वी हैव वन मोहो टाइप दैट इज सीनेंथियम, दैट इज सीनेंथियम, यहाँ पे क्या होता है सॉसर शेपर, सॉसर शेपर रिसेप्टेकल पेडेंकल विद मार्जिन नॉट कमिंग इनसाइड, मार्जिन का जो है दैट इज टूवर्ड्स आउटसाइड विद नॉट कमिंग इन, तो इसके बीच में यहाँ पे हमें दिस इज द रिसेप्टेकल, यहाँ पे हमें फ्लावर मिलेंगे इस पर, सो दिस हैज फ्लावर फर्टाइल फ्लावर्स, इनफैक्ट सॉसर शेपर रिसेप्टेकल। और इसमें एग्जाम्पल जो मैं आपको बता दूँ डॉस्टिनिया, दैट इज डॉस्टिनिया, डॉस्टिनिया, ये दिस इज ऑल्सो लाइक, ये कह सकते हैं कि लाइक हाइपोथोरियम। नाउ वी हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट दैट इज वेटिसलेस्टर, वी हैव वेटिसलेस्टर टाइप, जो वर्टिसल्स होते हैं तो वो क्या है वर्ल ऑफ फ्लावर्स, वर्ल ऑफ फ्लावर, तो वर्टिसलेस्टर में क्या है इट इज रेसीम ऑफ वर्टिसल्स और वर्ल ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है जैसे ये एक्सिस है, वी हैव पेडेंकल, दिस लीफ अपोजिट लीफ एक्सल्स पे फ्लावर आ जाते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी इसी तरह, यहाँ पे भी अपोजिट साइड में भी आ जाते हैं, 3 to 9 फ्लावर्स इस ग्रुप में होते हैं, एक ग्रुप में 3 to 9 फ्लावर्स आर देयर, और दिस इज बेसिकली कंडेंसड साइम, दिस इज कंडेंसड साइम बट डाइचेजियल साइम, डाइचेजियल कंडेंसड साइम विद मोनोचेजियल ब्रांचेस, मोनोचेजियल ब्रांचेस, यानी एक ही ब्रांच आता है इसके बाद में, लेकिन साइम जो है दैट इज डाइचेजल कमिंग फ्रॉम व्हेन देयर आर टू ब्रांचेस, तो अपोजिट वर्ल ऑफ फ्लावर्स आर वर्टिसल्स, साइम ऑफ वर्टिसल्स, तो इसको हम दिस इज कॉल्ड वर्टिसलेस्टर। आपको पता है जो वर्टिसलेस्टर है दिस इज इन ऑस्मम सेल्विया उन प्लांट्स में पाया जाता है, सो वी हैव ऑस्मम सैंक्टम, ऑस्मम में पाया जाता है सेल्विया में। नाउ फाइनली वी हैव ऑन लॉस्ट टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस दैट इज साइथियम, सो वी हैव साइथियम, साइथियम में क्या होता है, सो वी हैव साइथियम, दिस इज लॉस्ट टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, ब्रैकेट्स होते हैं फ्यूज्ड ब्रैकेट्स, फाइव फ्यूज्ड ब्रैकेट्स, वी हैव फाइव फ्यूज्ड ब्रैकेट्स, उनके बीच में एक सिनकार्पस ट्राइकार्पर कार्पलेरी ओवरी लेके एक फीमेल फ्लावर हो जाता है, देयर इज अ सेंटर फीमेल फ्लावर,
So this is female flower. It is surrounded by male flowers. With they are unisteminate. जो फ्लावर होते हैं इसके इर्द गिर्द में, दे आर यूनिस्टेमिनेट मेल फ्लावर्स इन अ सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट. तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल का मीनिंग क्या है? सेंट्रीफ्यूगल का यहाँ पे मीनिंग है कि जो फ्लावर बने हैं, जो मेल फ्लावर बने हैं वो यंग है, यानी वो बाद में बनते हैं, पहले मेल फ्लावर बन जाता है. तो देन इट इज क्लोज्ड बाय वो दिस ब्रैकेट या फ्यूज्ड इन वो ल्यूक्री, जो यहाँ पे इसके फाइव फ्यूज्ड इन्वोल्यूकरी. एग्जांपल यूफोर्बिया प्लांट, यूफोर्बिया प्लांट में ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस टिपिकली एग्जांपल उसमें पाया जाता है. तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. और इसके साथ साथ आपको ये जो इन्फ्लोरेसेंस आपने पढ़ा है बहुत सारे टाइप्स, इसमें आप ये आपका बेसिक आइडिया था. आप खासकर जो साइमोस और रेसिमोस जो टाइप है, जो अम्बल क्या होता है, कॉरम क्या होता है, और खासकर प्लांट्स किस कहाँ पे पाया जाता है, तो कुछ कुछ आप याद रखें जो इम्पॉर्टेंट है. बाकी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा और बता दें, ये जो इन्फ्लोरेसेंस ज़्यादा इसमें देखा गया कि द फ्लावर्स आर मोस्टली प्रेजेंट एक्सिलस टर्मिनल पोर्शन बट लेस इन इंट्रिकुलरी पोर्शन एंड एंथोटैक्सिस इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. चाहे सेंट्रिपिटल है, सेंट्रीफ्यूगल है, एग्रोपेटल, दैट्स कॉल्ड एंथोटैक्सिस या एंथोटैक्सी. और इन्वोल्यूकर आपने जैसे मैंने बताया ब्रैकेट्स होते हैं, इनके सब अम्बल या अम्बल ऑफ अम्बल जो कंपाउंड रेसिमोस होता है उसमें जो मेन अम्बल है उस पर दिज आर कॉल्ड इन्वोल्यूकर. और जो अम्बल्यूल होता है छोटे वाले अम्बल्स, उसमें जो मेन अम्बल से निकलते हैं उनके ब्रैकेट्स को इन्वोल्यूसिल्स कहते हैं. तो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. और लार्जेस्ट आपका इन्फ्लोरेसेंस दैट इज अराउंड 12 मीटर इन अगेव. देन मैंने आपको बताया कॉलीफ्लावरी क्या होता है, कि कॉलीफ्लावरी यानी पुराने स्टेम्स पे ये फ्लावर आ जाते हैं, एंड दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कॉलीफ्लावरी. और यहाँ पे कैपिचुलम आपने देखा है, कैपिचुलम क्या कहते हैं, रिसेप्टेकल कहाँ क्या होता है. और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जैसे मैं बताया था कि कुछ एग्जाम्पल शायद मैं मिस कर गया था, कैपिचुलम में जैसे मैंने बताया अगर होमोगेमस नहीं, वो तो मैंने बताया था जीनिया और वर्नोरिया. तो रिसेप्टेकल सेल फ्लावर्स होते हैं, जैसे कैपिचुलम में भी सेल फ्लावर होते हैं. तो दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे सनफ्लावर का फैमिली हम पढ़ते हैं, सनफ्लावर का जो हम फ्लावर देखते हैं, सनफ्लावर दैट इज नॉट अ सिंगल फ्लावर, वो एक फूल नहीं है, वो इनफ्लोरेसेंस है. तो उसमें रिसेप्टेकल है, देन वी हैव सेसाइल फ्लावर्स अरेंज्ड सेंट्रिपेटली. तो ये सारे इसमें अब आ गया कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इसके टाइप्स क्या है. तो अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफ़ी हमने डिटेल में टॉपिक पढ़ा है, अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है उसको आप प्लीज़ लिखिए, उसको हम फिर से डिस्कस करते हैं उस टाइप को. या कहीं पे कोई, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ डायग्राम, क्योंकि जब तक आपके पास इसका डायग्राम ना होगा तब तक आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लोरेसेंस में बताए उनको आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें आप अम्बल, स्पैडेक्स या क्वारम उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, कैटकिन में, स्ट्रॉबिलाई में, स्ट्रॉबाइल में. तो ये स्पैडेक्स में अगर कहीं पे आपको फिर से बताना हो, मैं फिर से बताऊँगा. इस वीडियो आपको आप बार बार देखते हैं तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा क्या ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाता है वो हमने शायद टच किया. अगर आपको लगता है कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या किसी इन्फ्लोरेसेंस टाइप का आपको डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है, आपको लग रहा है कि दो डायग्राम्स आपको कन्फ्यूजन में हो गए कि दोनों एक ही लग रहे डायग्राम लग रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं दिखता है, देन प्लीज़ डू पॉइंट दिस अंडर कमेंट बॉक्स. और हम इसको ये इस्तेमाल इसको आगे भी हम इसको रिपीट करेंगे किसी भी पॉइंट पर. तो इसके साथ ही हमारा इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक कम्प्लीट हुआ है, और होप वी विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.